हेलो हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस बिजनेस स्टडीज चैप्टर विच नेम इज़ नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट ऑन द टॉपिक ऑफ मीनिंग एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। आई होप दिस लेक्चर इज़ इंक्रीज योर नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस टॉपिक। सो डिस्कस करने से पहले, ये धमाका मैंने आपके लिए किया है। कल मैंने स्लाइड बनाई, स्लाइड बनाने के बाद काफ़ी देर तक स्लाइड बनाता रहा और आफ्टर इट फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इनको जो है BST में भी कुछ सरप्राइज़ दिया जाए। तो मैं आज से आपको जितना भी हो सकेगा मैं आपको BST की क्लास भी प्रोवाइड करा रहा हूँ। और आपको बस इतना करना है कि जो भी लेक्चर आपको मिले बस उसको सुन लीजिएगा, और बाद में मैं इन लेक्चर का कैप्सूल बना दूंगा। कैप्सूल मतलब कि ये इनको कैसे आपको याद करना है उसको भी मैं बना दूंगा। फिलहाल आपके सामने जो मैंने स्लाइड बनाई है, ये स्लाइड मैंने इस तरीके से बनाई है कि आपको मेन मेन चीज़ें सामने आ जाएंगी, वो आपको समझनी है, लेक्चर से आपको समझना है, और कैप्सूल जो मैं दूंगा आप लोगों को उससे आपको याद करना है। ओके, तो देखिए बहुत अच्छे तरीके से हम लोग डिस्कस करेंगे, और जो मैं आपको समझाऊंगा बिल्कुल एग्जांपल ऐसे लूँगा कि जो आसपास के एग्जाम्पल होंगे जिससे आपको बेटर समझ में आए। मैं तो अपना काम पूरा संजीदगी के साथ कर रहा हूँ, पूरी मेहनत कर रहा हूँ, अकाउंट्स में भी और यहाँ भी BST में भी समथिंग पूरी पूरी मैं स्लाइड बनाता हूँ, पूरा कोशिश करता हूँ मेहनत करने की। बस आप लोगों का सपोर्ट मुझे चाहिए, और आप करें या ना करें मैं तो अपना 100% डेडिकेशन के साथ आप लोगों को लेक्चर देता रहूँगा, प्रोवाइड कराता रहूँगा। अगर आप साथ साथ चलते रहेंगे तो 100% आपको समझ में आएगा, और 1-2 महीने में आपका पूरी रनिंग में आ जाएगा सब कुछ। तो इसलिए आप लापरवाही ना करें, दिन में 3 घंटे 4 घंटे ज़रूर पढ़ते रहें। थोड़ा दिक्कत ज़रूर महसूस होती है मोबाइल से पढ़ने में, बट अगर आप करेंगे तो सफलता भी आपके कदम ज़रूर चूमेगी। तो लेट अस डिस्कस नाउ बिजनेस स्टडीज़। आज के दिन हम शुरुआत करते हैं। तो देखिए बिजनेस स्टडीज़ में ये चैप्टर का नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, पहली यूनिट है आपकी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग मीनिंग और करेक्टरिस्टिक्स आज डिस्कस करने का कोशिश करेंगे। तो देखिए सामने स्क्रीन पर आप लोग देखिए मीनिंग, और इस तरीके से अपने नोट्स बनाए हम लोगों ने कि आप लोग बहुत आसानी से डिस्कस कर सकें। तो देखिए कहता है कि मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग ए सेट ऑफ फंक्शन टू गेट डन इन एन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर्स। देखिए यहाँ पर 3 कीवर्ड्स हैं। मीनिंग समझने से पहले हम लोगों को जो इसके मैंने ये डार्क किए हैं इनको पहले समझना है। देखिए प्रोसेस का मतलब क्या होता है, मैनेजमेंट समझने से पहले इसके की को समझिएगा। व्हाट इज़ प्रोसेस? प्रोसेस का मतलब होता है किसी भी काम को करने का वे, किसी भी काम को करने का मेथड, उसको हम लोग प्रोसेस कहते हैं। जैसे मैं कहूँ कि भाई आप मुझे 1 कप चाय बना के दीजिएगा, तो 1 कप टी बनाने के लिए आप क्या काम करेंगे? सबसे पहले एक फ्राई पैन लेंगे, फ्राई पैन में आप पानी रखेंगे, पानी को बॉईल करेंगे 2 या 3 मिनट तक। आफ्टर इट आप लोग उसमें शुगर गिरेंगे, फिर चाय की पत्ती गिरेंगे, फिर उसको जब तक आप लोग उसे जो है बॉईल करेंगे तब तक उसका रंग काला नहीं आ जाता है। फिर आफ्टर इट उसमें आप लोग दूध गिर देंगे, दूध गिरने के बाद आप लोग उसे 2-3 मिनट तक बॉईल करने के बाद उसे चाय में छान के पी जाएंगे। तो दिस इज़ ए प्रोसेस ऑफ द मेकिंग ऑफ टी, टी बनाने की एक प्रोसेस है। तो इसमें जो प्रोसेस आपका होता है, इस प्रोसेस में कभी ऐसा नहीं करते कि आपने क्या काम करा, पहले जो है चाय की पत्ती डाल दी, चीनी डाल दी, थोड़ी देर के बाद फिर पानी डाला। नहीं, प्रोसेस का मतलब है कि एक सिस्टमेटिक वे, एक काम को सिस्टम से करना, समझ रहे हैं? जैसे सपोज करो कि मैं कहूँ कि भाई आप लोग जो है खाना खाना है, तो खाना खाने का भी एक प्रोसेस है। जैसे खाना खाने का प्रोसेस कि पहले हम लोग प्लेट लेंगे, उस प्लेट में हम गसे को तोड़ेंगे, उसको सब्जी से लगाएंगे, सब्जी से लगाने के बाद फिर अपने मुंह को ओपन करेंगे, फिर उसके अंदर हम लोग डाल देंगे, फिर चबाएंगे और फिर वो अंदर खाना चला जाएगा। तो दिस इज़ ए प्रोसेस, ठीक है ना? खाना
खाना खाने की एक प्रोसेस। जैसे मान लीजिए कि हम लोगों को टीवी देखना है, तो टीवी देखने की एक प्रोसेस है। क्या है कि पहले आप रूम में जाएंगे, टीवी का स्विच ऑन करेंगे, टीवी का स्विच ऑन करने के बाद आप लोग रिमोट लेंगे, टीवी के रिमोट से उसको ऑन कर देंगे, फिर आप लोग जो उसका वो आता है डिश, डिश का आप लोग जो है रिमोट से ऑन करेंगे, फिर आप लोग चैनल सेट करेंगे, फिर आप लोग बैठ के उसे देखेंगे। तो दिस इज़ ए प्रोसेस, और ये सिस्टोमेटिक प्रोसेस है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि पहले रिमोट चालू कर देंगे और आफ्टर इट फिर जो है आप लोग जो है टीवी को ऑन करेंगे। नो 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 नो। तो प्रोसेस का मतलब दिस इज़ ए सिस्टोमेटिक वे, दैट्स कॉल्ड आर प्रोसेस। तो प्रोसेस का मतलब समझ में आ गया। इसके बाद देखिए कह रहे हैं फंक्शन। फंक्शन का मतलब होता है कि किसके थ्रू काम करता है। जैसे प्रोसेस है ना, तो चाय बनाने की प्रोसेस में क्या क्या था हमारे पास। तो चाय बनाने के लिए हमने पहले उसको सोचा, ठीक है, सोचने के बाद फिर हमने उसको क्या करा कि उन चीज़ों को इकट्ठा किया, इकट्ठा करने के बाद फिर हमने उन्हें यूज़ किया, ठीक है ना, फिर हमने उनको डायरेक्शन दी, और फिर हमने देखा कि कहीं ज़्यादा तो ना गिर जाए। दैट्स आर ए फंक्शन, ठीक है ना। फंक्शन का मतलब हो गया कि फंक्शन का मतलब कि किस किस के थ्रू आप लोग काम करने वाले हैं, दैट्स कॉल्ड अ फंक्शन। फंक्शन का मतलब हो गया, देखिए फंक्शन में क्या आता है, पी ओ एस डी एंड सी। देखिए बहुत ही डीपली मैं आपको समझा रहा हूँ, मीनिंग से ही आपको पूरा चैप्टर समझ में आना शुरू हो जाएगा, बस सुनना है, सिर्फ सुनते रहो। पी अकाउंट्स में उल्टा है, अकाउंट्स में बुक खोलनी पड़ती है और क्वेश्चन को समझना पड़ता है, फिर देखना पड़ता है, पाउस करके टर्म्स को समझना पड़ता है। बीएसटी का तो ये समझ लीजिए कि आप लोग अगर सुनते भी रहेंगे तो अभी आपकी सारी क्लियर हो जाएगी, और नोट्स बना लो तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन इसे याद हो जाता है। फंक्शन का मतलब हो गया पी ओ एस डी सी, ये याद रखना है। दिस इज़ द फंक्शन, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। पी फॉर प्लानिंग, ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन, एस फॉर स्टाफिंग, डी फॉर डायरेक्शन, सी फॉर कंट्रोलिंग। देखिए कोई भी काम को अगर हमें करना है तो उसके ये पांच फंक्शन हैं, काम करने के ये पांच फंक्शन हैं। इन पांच फंक्शन के बिना हम लोग कोई भी काम नहीं कर सकते। जैसे प्लानिंग है, प्लानिंग का मतलब होता है कि सोचना कि कब करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, किस लिए करना है, किसके लिए करना है, वाई टू डू, हाउ टू डू, वेन टू डू, कैसे करना है, सब ये सब आता है प्लानिंग में, ठीक है। जैसे हमने चाय का सोचा, तो चाय कब बनानी है, किसको पिलानी है, किस लिए पीनी है, कैसे पीनी है, इनके जो भी आपके क्वेश्चन मार्क साइन जो भी क्रिएट होते हैं, दैट्स कॉल्ड आर प्लानिंग, उसको हम लोग कहते हैं प्लानिंग। प्लान के करे बिना आप लोग कोई काम नहीं कर सकते। दैट्स आफ्टर इट उसके आता है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि उन काम को करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ चाहिए, उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइजेशन का हिंदी में ही हम लोग कहते हैं ऑर्गेनाइज करना, ठीक है ना। ऑर्गेनाइज का मतलब ही ये होता है कि हम लोग क्या करते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करें। तो ओ फॉर ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज का मतलब हो गया कि हमको क्या क्या चाहिए। जैसे चाय बनाने के लिए हमें पानी चाहिए, चाय की पत्ती चाहिए, चीनी चाहिए, और जो है हमको कप चाहिए, छलनी चाहिए, फ्राई पैन चाहिए, दैट्स आर ऑर्गेनाइजेशन। समझ में आया। प्लानिंग का मतलब क्या था, प्लानिंग का मतलब था कि किसी भी काम को करने से पहले उसके बारे में सोचना, दैट्स कॉल्ड आर प्लानिंग। उसको कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, कब करना है, ये प्लानिंग। ऑर्गेनाइजेशन, उसको काम को करने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए, उसको कहते हैं ऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज के बाद हमको स्टाफिंग, स्टाफिंग का मतलब होता है कि उस काम को करने के लिए जो अपॉइंट किए गए हैं, जो बंदे अपॉइंट किए गए हैं जो उस काम को करेंगे, उसको बोलते हैं हम स्टाफिंग, ठीक है ना। जैसे ऑर्गेनाइजर में चाय की पत्ती कौन गिरेगा, हाथ गिरेगा हमारा, चीनी कौन गिरेगा, हाथ गिरेगा, चाय कौन पिएगा, हमारा होंठ पिएंगे चाय, ठीक है ना, चाय जाएगी कहाँ, हमारे पेट में जाएगी। दैट्स आर स्टाफिंग। एक छोटा एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है ना, बाद में बड़ा करेंगे इसको। स्टाफिंग ये कहलाता है, स्टाफिंग उस काम को करने वाले लोग। स्टाफिंग के बाद डायरेक्शन, इनको डायरेक्शन भी मिलनी चाहिए प्रॉपर। डायरेक्शन का मतलब हो गया कि देखिए प्लानिंग का मतलब कि आपको कब करना है, कैसे करना है, क्यों करना है। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब उसको काम को करने वाले टूल्स। स्टाफिंग का मतलब हो गया कि अपॉइंट करेंगे कि इन इन काम को कौन करेगा,
और डायरेक्शन का मतलब कि उन्हें डायरेक्शन देने वाले बंदे की डायरेक्शन जो दें उनको, ठीक है ना, कि डायरेक्शन जैसे मिलेगी कि भाई अब आप डालिए, इस समय आप चाय की पत्ती डाल दीजिए, अब छान लीजिएगा, ये जो डायरेक्शन दे रहा है दैट्स अ डायरेक्शन। एंड आफ्टर इट कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग का मतलब होता है कि जो भी काम किया गया है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग, वो सही टाइम पर किया गया है, ये चेकआउट करते रहना, दैट्स कॉल्ड अ कंट्रोलिंग। तो अभी वैसे आगे आएंगे, ये फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट होते हैं, बट यहीं पे आप लोग थोड़ा थोड़ा समझते चलेंगे तो बहुत आने समझ में आएगा। तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइज, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोल, दैट्स आर फंक्शन, इसे हम लोग क्या कहते हैं, फंक्शन। फिर इसके बाद आता है एफिशिएंट एंड इफेक्टिव, बहुत डीपली शब्द है। देखिए एफिशिएंट और इफेक्टिव का मतलब क्या होता है, बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। देखिए इफेक्टिव और एफिशिएंट दोनों ही किसी भी फर्म के लिए, बिजनेस के लिए कंपलसरी होते हैं। एफिशिएंट भी हमें ज़रूर चाहिए और इफेक्टिव भी, दोनों ही बैलेंस होने चाहिए। इफेक्टिव का मतलब होता है कि पहले समझे ना, इफेक्टिव का मतलब होता है कि किसी भी काम को आप अगर प्रॉपर टाइम से कर लेते हैं दैट्स कॉल्ड आर इफेक्टिव। चाहे उसके लिए आपने कुछ भी करा हो, चाहे उसकी कॉस्ट कितनी ही आई हो, दैट्स कॉल्ड आर इफेक्टिव, उसे हम लोग कहते हैं इफेक्टिव। बट उसी काम को अगर आप लोग मिनिमम कॉस्ट में करते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं एफिशिएंट, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपसे कहूँ कि मुझे जो है आपको 1 घंटे के अंदर आप लोग मुझे जो है 5 केजी आप लोग मुझे सब्जी बना कर देंगे, ठीक है। अब 1 घंटे का टाइम दिया मैंने, 1 आवर्स का, 1 घंटे में आपको मुझे 5 किलो सब्जी बना कर देनी है। तो मैंने अपॉइंट करे ए बी सी डी, ये 4 लोग हैं, ए बी सी डी। ए ने क्या काम करा कि 1 घंटे के अंदर 5 किलो सब्जी बना दी, लेकिन इसने करा क्या, इसने 4 नौकर लगाए और 4 सर्वेंट के थ्रू इसने जो है काम किया, लेकिन 1 घंटे में काम करके दे दिया। बी ने भी क्या काम करा कि बी ने भी 1 घंटे के अंदर सब्जी बना के दे दी, बट इसने क्या काम करा कि सब्जी जो बनाई वो सब्जी 3 लोगों ने बनाई, लेकिन सब्जी में टेस्ट कम था, ठीक है। सी ने क्या काम करा कि सी ने भी प्रोडक्शन किया, सी ने भी 5 किलो सब्जी बना कर दी, बट इसने जो सब्जी बना कर दी वो 1.5 घंटे में बना कर दी, 1.5, ठीक है। और जो इसने लेबर लगाया वो 4 आदमी ही इसने लेबर पे लगाए। डी ने क्या काम करा कि डी ने जो काम किया वो 1 आवर्स में ही किया, 1 घंटे में ही, और 1 आवर्स में इन्होंने सब्जी बना के 5 किलो दे दिया, बट इन्होंने जो मेंबर लगाए वो सिर्फ 2 ही मेंबर लगाए, 2 मेंबर्स लगाए, और चूल्हा भी एक ही जलाया, यानी गैस भी एक ही इन्होंने जलाई, जबकि ए ने जो जलाई 3 गैस का इस्तेमाल किया। अब यहाँ पर गौर से देखिएगा, ए ने भी 1 घंटे में काम किया, बी ने भी 1 घंटे में काम किया, सी ने 1.5 घंटे में काम किया, डी ने 1 घंटे में काम किया, ठीक है। तो सी तो यहाँ से आउट ही हो जाता है, सी को तो ख़त्म ही कर दी क्योंकि 1 घंटे से बाहर इसने काम किया है। सी ना तो इफेक्टिव है और ना ही एफिशिएंट है, तो सी तो यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। अब ए बी डी बचते हैं, तो देखिए ए बी डी में ए यहाँ पर इफेक्टिव है, ए ने टाइम से काम पूरा किया, बट उसने यह नहीं देखा कि कॉस्ट कितनी लगती है कितनी नहीं लगती है। उसने 1 घंटे में काम पूरा करके दिया, चाहे कॉस्ट कितनी ही क्यों ना लगे। यानी कहने का मतलब कि अगर कोई टाइम से काम पूरा करता है बशर्ते कि कॉस्ट पे ध्यान नहीं देता है, दैट्स कॉल्ड आर इफेक्टिव, उसे हम लोग इफेक्टिव कहते हैं। बी ने भी यही किया, बी भी इफेक्टिव है, बट डी जो है यहाँ पर इफेक्टिव तो है ही, लेकिन इफेक्टिव के साथ साथ एफिशिएंट भी है, क्योंकि डी ने यही प्रोडक्शन जो किया वो 2 लेबर के साथ किया, एक ही चूल्हे पर बना के दिया, तो यहाँ पर मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम प्रोडक्शन डी बना के दे रहे हैं, दैट्स कॉल्ड आर एफिशिएंट, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एफिशिएंट। तो क्वेश्चन ये राइज होता है कि क्या इफेक्टिव अच्छा होता है या एफिशिएंसी अच्छा होता है।
एफिशिएंट और इफेक्टिव दोनों ही एक फर्म के लिए कंपलसरी होते हैं। दोनों के बिना काम नहीं चल सकता, एफिशिएंट के बिना भी काम नहीं चल सकता, इफेक्टिव के बिना भी काम नहीं चल सकता। इफेक्टिव का मतलब समय से काम भी चाहिए और एफिशिएंसी का मतलब कि कम लागत में भी चाहिए। तो दोनों हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, बट बैलेंस बनाना पड़ेगा। जैसे कंपटीशन चलता है तो टाइम के अकॉर्डिंग भी हमें प्रोडक्शन करना पड़ेगा, और एफिशिएंसी का मतलब हो गया कि हम लोगों को जो काम करके देना पड़ेगा वो हमको कम कॉस्ट में भी करके देना पड़ेगा। यानी एक लाइन में मैं अगर कहूँ कि इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर मैनेजमेंट टू अचीव गोल्स विद मिनिमम रिसोर्सेज। अचीव गोल्स का मतलब इफेक्टिवनेस, गोल को रिसीव कर लिया, और मिनिमम रिसोर्सेज का मतलब एफिशिएंटली। तो समझना होगा कि मेंटेनिंग ए बैलेंस बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, एक बैलेंस बना के फर्म को चलना पड़ता है। हालांकि मैंने जो है यहाँ पर इनका एक चार्ट भी बनाया है, उस चार्ट में आप लोग देख लेंगे दोनों का डिफरेंस बहुत अच्छे तरीके से कई बार आया है। ये देखिएगा डिफरेंस दे रखा है यहाँ पर इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी में। देखिए इफेक्टिवनेस टाइम से पूरा करना, और जो आपका ये होता है क्या नाम है, जो आपका इफेक्टिव होता है, एफिशिएंसी जो होता है उसमें टाइम के साथ साथ अपना प्रोडक्शन जो है वो कम कॉस्ट पे करते हैं। देखिए पहला पॉइंट इसमें कह रहा है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि किस चीज़ पर जोर दिया जाता है। तो इफ़ेक्टिवनेस में कहता है गोल अचीवमेंट ओरिएंटेशन, सिर्फ गोल को पूरा किया जाता है, बाकी चीज़ों पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। यानी सिर्फ और सिर्फ गोल पूरा किया जाएगा, ओके। और बाकी जो दूसरे वाले में देखते हैं तो क्या कह रहा है इसके अंदर, कि दूसरे वाले में कहता है कि इनपुट और आउटपुट ओरिएंटेशन, लगाया कितना और प्रोडक्शन कितना होता है, दैट्स कॉल्ड आर इनपुट एंड आउटपुट ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब समझ में आ गया, यानी इफेक्टिवनेस में गोल अचीवमेंट ओरिएंटेशन हो गया, एफिशिएंसी में इनपुट और आउटपुट ओरिएंटेशन हो गया। एम्फेसिस किस पर जोर दिया था, डूइंग राइट थिंग्स, ठीक है, डूइंग थिंग्स राइटली। इसमें कह रहा है कि डूइंग्स राइट, सही चीज़ें की जाती हैं, कहता है इसमें काम को सही तरीके से किया जाता है। बस हमने एक घंटे में काम पूरा कर दिया तो डूइंग राइट थिंग्स, लेकिन एक ही घंटे में उस काम को और ढंग से किया गया जिससे कॉस्ट भी कम आई, डूइंग थिंग्स राइटली, ओके। तो फोकस एंड्स, काम को किसी भी तरीके से पूरा करना है, टाइम से पहले करना है, टाइम तक करना है, ये एंड करना होता है। मींस का मतलब होता है कि कोई भी काम को जब करना है तो उसे सार्थक तरीके से यूटिलाइज वे में करना है। समझ में आ गया, ऐसे समझो कि जैसे कई बार क्या होता है कि आप लोग जैसे जानते होंगे कि घर पे जैसे हम लोगों ने सब्जी बनाई, ठीक है, जैसे सब्जी बनाई या दाल बनाई कोई, ठीक है, तो दाल जब हम लोगों ने बनाई तो दाल ज़्यादा बन गई, तो दाल शाम को जब ज़्यादा बन गई तो हमने इसे फ्रिज में रख दिया। मॉर्निंग में हमने क्या काम करा कि उस दाल को हमने जो आटा मलते हैं उस परांठे में मलने के बाद, और फिर जो है उसके हमने परांठे खाए, तो ये दाल जो हमने यूटिलाइज़ की, दैट्स कॉल्ड आर मींस, ठीक है ना, कि हमने उस दाल का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन किया। और अगर हम दाल को वहीं पे ख़त्म कर देते, रात ही ख़त्म कर देते, तो दैट्स एंड्स, वो क्या कहलाता, एंड्स कहलाता है। यानी फोकस का मतलब हो गया कि काम को समय से पूरा करना, बस पूरा ही करना, चाहे उसके लिए नुकसान कितना ही उठाना पड़े, उसको एंड्स। एंड मींस का मतलब कि उसका यूटिलाइजेशन मैक्सिमम करना, दैट्स कॉल्ड आर मींस, ओके। डिटरमाइनिंग फैक्टर्स, फोर्थ पॉइंट कह रहा है एक्सटर्नल इंटरनल। इसके सिर्फ एक्सटर्नल बात पे ध्यान दिया जाता है, यहाँ पर इंटरनल बात पे ध्यान दिया जाता है। इंटरनल का एक्सटर्नल का मतलब हो गया कि टाइम फैक्टर, टाइम से पूरा करना, 1 आवर्स। यानी ये नहीं रहता कि अंदर का माल कैसे बना है, अच्छा बना है, क्वालिटी प्रोडक्ट है या नहीं है, या उसका यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो सकता है नहीं हो सकता है, बस एक्सटर्नल यूज़। इंटरनल का मतलब कि टाइम से हुआ ही है, अंदर का प्रोडक्शन भी अच्छा होना चाहिए, मटेरियल भी अच्छा होना चाहिए, हर सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, तो दैट्स कॉल्ड आर इंटरनल यूज़, इंटरनल फैक्टर्स। तो डिफरेंस से मैं समझता हूँ कि इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी आपको ढंग से क्लियर हो गया होगा। तो इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी क्लियर करने के बाद वापस हम लोग चलते हैं और देखते हैं
यहाँ देखिए, अब मैं समझता हूँ कि डेफिनेशन क्लियर होगी। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग ए सेट ऑफ फंक्शन टू गेट द वर्क डन इन एन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर्स। तो अब समझ में आ गया कि मैनेजमेंट एक ऐसी प्रक्रिया है जो किसी भी काम को एक सिस्टोमेटिक तरीके से करने और कराने की एक प्रोसेस है। मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस, मैनेजमेंट एक प्रोसेस है ऑफ ए कंडक्टिंग ए सेट ऑफ फंक्शन, जो किसके थ्रू होती है, एक फंक्शन के थ्रू काम करती है, टू गेट द वर्क डन इन एन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर। जो काम जो करती है इफेक्टिव टाइम से भी करती है, एफिशिएंट और मिनिमम कॉस्ट में भी करती है। तो मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग ए सेट ऑफ फंक्शन टू गेट द वर्क डन इन एन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर। आई होप समझ में आ गया होगा। मीनिंग पे ही हमने इतना टाइम लगा दिया इसलिए क्योंकि डीपली जितना सुनोगे उतना ही तुम लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, एफिशिएंट एंड इफेक्टिव समझ में आ गया। यानी मैं ये भी कह सकता हूँ आप लोगों से कि एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट बराबर जीरो एंड नथिंग। यानी कुछ भी हो, कुछ भी काम हो अगर हम लोग कर रहे हैं उसमें से मैनेजमेंट अगर माइनस कर दिया जाए तो क्या बचेगा? नथिंग, कुछ भी नहीं बचेगा। तो अब देखो मैनेजमेंट जो है, मैनेजमेंट का मीनिंग आप लोगों को समझ में आया? तो मैनेजमेंट ज़रूरी नहीं है कि आपका फर्म पे ही यूज़ होता हो, मैनेजमेंट हर जगह यूज़ होता है। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे वरना डीपली चले जाएंगे हम लोग। देखिए इसकी डेफिनेशन है, डेफिनेशंस पे भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पहला कह रहा है मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग डन थ्रू एंड विद फॉर्मली ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप। हेरोल्ड कुंटस ने ये बात कही है। हेरोल्ड कुंटस क्या कहते हैं? देखिए इसमें तीन कीवर्ड्स आए, आर्ट, थ्रू, ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप। आर्ट का मतलब होता है, आर्ट का मतलब होता है आप लोग जो भी हम लोग डिस्कस यहाँ पर कर रहे हैं तो उसमें देखिए मैंने जो करेक्टरिस्टिक्स और नेचर यहाँ पर लिए हैं तो इनके खाली हेडिंग हेडिंग लिए हैं, और आपको भी जो याद करना है वो खाली इनके हेडिंग हेडिंग ही याद करना है आप लोगों को, क्योंकि अगर हेडिंग याद हो जाएंगे तो बाकी सब भी हम लोगों को बहुत आसानी से याद हो जाएगा। तो देखिए हम लोग डिस्कस करेंगे अब आप लोगों से क्या कहता है। देखिए कि पहला है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। देखिए नेचर और करेक्टरिस्टिक्स दोनों सेम है, ठीक है। पहला कहता है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस का मतलब हो गया कि हमको ऐसी प्रोसेस लेनी है कि गोल ओरिएंटेड प्रोसेस का मतलब कि जो मैनेजमेंट है वो किसी गोल को ध्यान में रखकर ही किया जाता है। जैसे सपोज करो कि आप लोगों को पहले सोचना है, तो सोचना है यानी जैसे प्लानिंग करनी है, तो मैनेजमेंट तभी शुरू होगा जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को बना लेंगे। अगर आप ऑब्जेक्ट आपके पास नहीं है तो मैनेजमेंट फिर शुरू नहीं हो सकता। जैसे आपने टॉपिक, जैसे आपने अपना गोल बना रखा है कि इस बार हमको 12th में कम से कम हम लोगों को 92-93% नंबर चाहिए, तो पहले गोल होगा आपके पास। जब गोल होगा तो उस गोल को पूरा करने के लिए आप लोग प्लानिंग करेंगे, प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइज करेंगे, फिर स्टाफिंग करेंगे, फिर डायरेक्टिंग, फिर कंट्रोलिंग। यानी कि मैनेजमेंट तभी शुरू होगा जब आपके पास कोई ऑब्जेक्ट होगा, गोल होगा। अगर गोल ही आपके पास नहीं है तो मैनेजमेंट नहीं हो सकता। जैसे कुछ का, जैसे आपका गोल है कि भाई मुझे लेक्चर ज़रूर सुनना है, मुझे सर की बात को ज़रूर मानना है, मुझे सर पर ज़रूर विश्वास करना है, तो गोल आपका पहले है। इसलिए तो मैनेजमेंट तभी काम करता है जब क्या है, गोल हो। तो प्रोसेस में देखिए तीन प्रोसेस आएंगी। पहला गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, यानी कि आपका लक्ष्य, आपका गोल होना चाहिए। सेकंड कह रहा है कंटिन्यूअस प्रोसेस। यानी कंटिन्यूअस प्रोसेस का मतलब हो गया कि जो मैनेजमेंट आपका चलता है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। कंटिन्यूअस प्रोसेस का मतलब हो गया कि मैनेजमेंट कभी रुकने वाली प्रक्रिया नहीं है, एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया। जैसे प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइजेशन के बाद स्टाफिंग, स्टाफिंग के बाद डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग के बाद कंट्रोलिंग। यानी कि एक ऐसी प्रक्रिया है जो बिगनिंग से लेकर एंड तक चलेगी, फिर एंड से दोबारा बिगनिंग हो जाएगी। समझते हैं? जैसे सपोज करो कि आप लोग, जैसे पहला गोल आप लोगों ने बना लिया कि हमको 92% मार्क्स चाहिए, ठीक है। तो दिस इज़ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। अब इस 92% नंबर लाने के लिए आप क्या काम करेंगे? डेली शेड्यूल बनाएंगे कि सर का लेक्चर आ गया, अब हमें 2 घंटे इनको काम को रखना है। BST क्लास आ गई, इसको हमें सुनना है।
इसके बाद हम लोग जो है अब रिवीजन करेंगे। अब ये आधा काम हो गया, तो क्या कल को इस काम को नहीं करोगे? कल को फिर यही करना पड़ेगा, कल जब पूरा हो जाएगा फिर थर्ड डे यही करना पड़ेगा। यानी जब तक गोल पूरा नहीं हो जाएगा तब तक आप लोग इस तरीके से प्रोसेस करते रहेंगे। दिस इज़ ए कंटिन्यूस प्रोसेस। क्या हो गया उसे? उसे हम लोग क्या कहते हैं? कंटिन्यूस प्रोसेस। यानी किसी भी काम को जब आप लोग करेंगे तो वो लगातार, मैनेजमेंट कभी ख़त्म नहीं होता, मैनेजमेंट शुरू होता रहेगा, हमेशा कंटिन्यूस प्रोसेस में रहता है। आज जहाँ ख़त्म होगा वहीं से शुरू हो जाएगा, तो दिस इज़ ए कंटिन्यूस प्रोसेस। क्लियर? नेक्स्ट है डायनेमिक प्रोसेस। डायनेमिक का मतलब होता है कि जो समय के साथ जो है चलता रहता हो, जो रुकता नहीं हो, उसे कहते हैं डायनेमिक प्रोसेस। जैसे जैसे डायनेमिक प्रोसेस का देखो बहुत ही बढ़िया एग्जांपल मैं आपको दूंगा। जैसे हम लोग रेगुलर मोड में अभी क्लास पढ़ रहे थे, ठीक है? तो रेगुलर मोड में जब हम लोग क्लास पढ़ रहे थे तो आप लोग कोचिंग आते थे यहाँ पर, 1 घंटे की क्लास लेते थे, फिर घर चले जाते थे, फिर काम को पूरा करके फिर अगले दिन आ जाते थे, ठीक है? तो अब क्या हुआ कि हम लोग चल रहे थे लेकिन कोरोना वायरस आया। कोरोना वायरस के कारण से गवर्नमेंट ने कहा कि भाई अब आप लोग ग्रुप में इकट्ठा नहीं हो सकते, सोशल जो आपकी डिस्टेंस है उसको दूर रखना पड़ेगा, उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो सोशल डिस्टेंस को फॉलो करने के लिए अब हम लोग दूर हो गए। फिर हम लोग 3 4 दिन पढ़े नहीं बिल्कुल भी, आप लोगों ने भी बुक नहीं खोली होगी बिल्कुल भी, ना कुछ पढ़े होंगे। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि भाई इनका, जब मैं इनसे कनेक्शन मेरा हो ही गया है तो मेरे को इन लोगों को पूरा 90% से ऊपर मुझे लाना है, इनको दिलाना है। तो क्यों, क्या 2 3 महीने हम लोग खाली बैठे रहेंगे? तो मेरे दिमाग में आया कि कुछ प्रयास किया जाए। तो फिर मैंने क्लास शुरू करी। पहले दिन जब लेक्चर लिया तो मैंने बोर्ड पे लिख के और फिर उसकी वीडियो बना के भेजा, तो वो प्रोसेस बनाई, लेकिन वो प्रोसेस कामयाब नहीं हो पाई, ठीक है ना? समय के आधार पर देखिए, पहले दिन बनाई तो पहले दिन वो कामयाब नहीं हो पाई। फिर अगले दिन मैंने स्लाइड बना के तब काम किया, तीसरे दिन मैंने लैपटॉप पे स्लाइड बना के तब बनाया, चौथे दिन मैंने BST की भी आपकी शुरू की। अब ये क्या हो रहा है कि देखिए, अकॉर्डिंग टू टाइम, टाइम बदला तो टाइम के अकॉर्डिंग मैंने अपनी प्रोसेस भी बदल दी, ठीक है ना? अब आज के हिसाब से इससे बेस्ट पढ़ाई नहीं हो सकती, हम खाली थोड़ी बैठे रह सकते हैं। तो दिस इज़ ए डायनेमिक प्रोसेस। डायनेमिक प्रोसेस का मतलब हो गया कि एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग जो बदल लेता हो अपने आप को, उसे कहते हैं डायनेमिक फंक्शन। तो तुम लोग अगर नहीं बदल पा रहे हो तो इसका मतलब डायनेमिक प्रोसेस नहीं है, तो आप लोग मैनेजमेंट अच्छे तरीके से नहीं कर पाओगे। तुम में से जैसे कुछ की बहुत प्रॉब्लम रहती है, कुछ बहुत लापरवाह होंगे, तुम में से जो काम करते नहीं होंगे लापरवाही करते होंगे, तो आप समय के अकॉर्डिंग अपने को मतलब एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो, तो इसका मतलब डायनेमिक फंक्शन आप लोगों में नहीं है। लेकिन जो अकॉर्डिंग टू टाइम कि भाई लेक्चर ही पढ़ना है हमको, ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा, हम 2 2.5 महीने खाली थोड़ी जाएंगे। 2 2.5 महीने तो हमारे पास बहुत कीमती समय होता है। 2 2.5 महीने में अगर हमने BST या हमने अकाउंट्स आधी भी कर ली तो हम लोग जीत जाएंगे उसमें, जब हमारे परसेंटेज बढ़ जाएंगे। तो दिस इज डायनेमिक प्रोसेस। क्लियर? 3 पॉइंट क्लियर। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, सेकेंड इज कंटिन्यूस प्रोसेस, डायनेमिक प्रोसेस, ठीक है? फोर्थ है ग्रुप एक्टिविटीज़। देखिए, करेक्टरिस्टिक्स और नेचर का मतलब ये होता है कि मैनेजमेंट क्या होता है, करेक्टरिस्टिक्स हमेशा वही बताते हैं। नंबर फोर है ग्रुप एक्टिविटीज़। ध्यान रखना कि मैनेजमेंट हमेशा जो काम में करता है, अकेला कभी काम नहीं कर सकता, ग्रुप में काम करेगा। जैसे मैनेजमेंट जब हम लोग करते हैं तो मैनेजमेंट के लिए हम लोग प्लानिंग करने वाले पर्सन चाहिए, ऑर्गेनाइज चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग को पर्सन चाहिए, स्टाफिंग में काम करने वाले लोग चाहिए। यानी ये ग्रुप में ही काम कर सकता है। अगर आपके पास ग्रुप नहीं है तो बिना ग्रुप के आपका कोई भी मैनेजमेंट प्रोसेस नहीं कर सकता है। मैनेजमेंट तभी काम करेगा जब ग्रुप एक्टिविटीज़ यानी एक ग्रुप में काम करता है, अदरवाइज अब अकेले हैं तो अकेले का क्या मैनेजमेंट करना? आपने देखा होगा जैसे घर में मान लीजिए 4 लोग खाना खाने वाले हैं तो फिर मैनेजमेंट रखना पड़ेगा, सब्जी प्रॉपर बनानी पड़ेगी, थाली में लगानी पड़ेगी, 4 सब्जी रखनी पड़ेंगी या 4 चटनी पापड़ और जो है रोटी ढंग से परोस के देनी पड़ेगी। जिस दिन आप घर में अकेले हैं तो उस दिन क्या मैनेजमेंट करेंगे? जो मर्जी है खा लेंगे, रसोई में जाएंगे नमकीन खा लेंगे, ऐसी चाय पी लेंगे, अपने लिए कुछ नहीं। तो इसका मतलब क्या निकल के आया कि ग्रुप एक्टिविटीज़ है, सिंगल में कभी काम नहीं करेगा। नंबर 5, नंबर 5 इनटेंजिबल फोर्स। इनटेंजिबल फोर्स का मतलब हो गया कि ये ऐसा है जो दिखाई नहीं देता है। मैनेजमेंट इज़ ए इनटेंजिबल फोर्स, ठीक है ना? मतलब डायरेक्ट दिखाई नहीं देगा, इनडायरेक्ट रूप से शो होगा,
ठीक है ना, मतलब इसे कान पे टच और सीन नहीं कर सकते हैं आप लोग, और लेकिन काम दिखता है। जैसे सपोज करो कि मान लीजिए कि जैसे आप लोगों ने कॉपी बनाई, फेयर कॉपी, ठीक है, तो फेयर कॉपी में आपने बढ़िया बढ़िया राइटिंग से लिखा, प्रॉपर क्वेश्चन करे, प्रॉपर तरीके से करा, तो अब ये मैनेजमेंट दिखाई थोड़ी दे रहा है कि भाई जो है हाँ मैनेजमेंट इस पे कैसे फील हो गया, लेकिन फील हो रहा है। कॉपी देख के पता चलेगा कि हाँ मैनेजमेंट बढ़िया तरीके से फील किया। इसी तरीके से बिजनेस में होता है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन, प्रॉफिटबिलिटी, ये सब एग्जाम्पल किसके हैं, इनटेंजिबल फोर्स के। भाई माल बन गया, उसे मार्केट में ज़्यादा बेच दिया, ये एक अच्छा पॉइंट नहीं है, लेकिन एक कस्टमर सेटिस्फाई हो रहा है, एम्प्लॉय सेटिस्फाई हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि मैनेजमेंट बहुत प्रॉपर वे में चल रहा है, फील होगा, समझ रहे ना। हाँ, इनटेंजिबल फोर्स है। नंबर सिक्स है यूनिफाइंग फोर्स। यूनिफाइंग फोर्स का मतलब हो गया कि जब भी मैनेजमेंट काम करेगा तो जो उसके वेरियस रिसोर्सेज हैं, वेरियस रिसोर्सेज का मतलब हो गया कि जिन जिन चीजों जिन जिन चीज़ों से वो प्रोडक्शन करता है, जैसे ह्यूमन, आदमी, प्लस फिजिकल। फिजिकल का मतलब हो गया कि जैसे रॉ मटेरियल, ठीक है ना, जैसे लेबर, जैसे जो है आप लोगों की बिल्डिंग, इसको बोलते हैं फिजिकल। ह्यूमन का मतलब हो गया आदमी, फिजिकल का मतलब हो गया आपके जो भी आपका रॉ मटेरियल वगैरह है, और फाइनेंशियल का मतलब हो गया आप लोगों का कि पैसा, फाइनेंस। तो जो फाइनेंस की चीज़ें हैं वो फाइनेंस, पैसा, तो इन तीनों चीज़ों को आप मिला के जब एक जगह लगा देंगे तो वो यूनिफाइंग फोर्स कहलाता है। यानी यूनिफाइंग फोर्स का मतलब हो गया कि किसी भी काम को जब आप लोग करेंगे तो इन तीनों को मिला के एक ही वे में काम करेगा, अलग अलग में नहीं। जैसे आदमी सोचने लगे कि वो जो है किसी और बिजनेस में करना चाहते हैं, मान लीजिए किसी और बिजनेस में, जैसे वो टेक्सटाइल बिजनेस को करना चाहते हैं, प्रोडक्शन जो आपके पास रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है वो मान लीजिए आपके पास पड़ा हुआ है कॉस्मेटिक गुड्स का, और जो फाइनेंस है आपके पास, फाइनेंस आपके पास बहुत लो है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि तीनों अलग अलग डायरेक्शन दे रही हैं, तो इसका मतलब मैनेजमेंट प्रोसेस सक्सेस नहीं हो पाएगा। यूनिफाइंग फोर्स का मतलब है कि जितनी भी आपके पास सोर्सेज हैं वो सब के सब एक ही वे में चलें और डिजायरेबल ऑब्जेक्टिव आप लोग रिसीव कर पाए। क्लियर। नेक्स्ट है आप लोगों का परवेसिव। परवेसिव का मतलब होता है कि मैनेजमेंट सब जगह काम करता है, यूनिवर्सल नेचर का होता है, चाहे बिजनेस हो, चाहे नॉन बिजनेस हो, चाहे घर हो, चाहे बाहर हो, चाहे पब्लिक सेक्टर हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे स्मॉल सेक्टर हो, चाहे लार्ज सेक्टर हो, यानी चाहे विदेश हो, चाहे देश हो, चाहे जापान हो, चाहे US हो, सब जगह मैनेजमेंट फैला हुआ है। मैनेजमेंट सब जगह अप्लाई होता है, सब जगह मैनेजमेंट, कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ बिना मैनेजमेंट के काम हो सकता, और मैनेजमेंट सब जगह एक सार ही रहता है। दिस इज़ ए परवेसिव। परवेसिव का मतलब सर्वव्यापक, यूनिवर्सल, यहाँ भी, वहाँ भी, घर पे भी, बाहर भी, स्कूल में, कॉलेज में, घर पे, दिस इज़ ए परवेसिव, ठीक है ना। इन्फ्लुएंस बिहेवियर। देखिए इन्फ्लुएंस बिहेवियर का मतलब जो होता है वो ये होता है कि जो भी मैनेजमेंट होता है, मैनेजमेंट हमेशा जो काम करता है वो इस तरीके से काम करता है कि बिहेव में ना आकर बिना किसी डायरेक्शन के हम लोगों को पता चलता रहता है। दैट्स ए इन्फ्लुएंस बिहेवियर। नाइन होता है इनबॉर्न एंड एक्वायर्ड एबिलिटीज। इनबॉर्न एंड एक्वायर्ड एबिलिटीज का मतलब हो गया कि ये जन्मजात भी होता है और इकट्ठा भी किया जा सकता है। इनबॉर्न का मतलब हो गया कि जब आप लोग पैदा होते हैं तो कुछ में जन्मजात इनबॉर्न क्वालिटी होती है। जैसे तुमने देखा होगा कि छोटे बच्चे होते हैं, बहुत से शुरू से लड़ाकू प्रवृत्ति के होते हैं, लड़ते रहेंगे, लीडरशिप के गुण होंगे, बहुत से ऐसे होंगे एक्वायर्ड एबिलिटीज़ की, उनमें जो है एक्वायर्ड लीडरशिप के जो है उनको ट्रेनिंग दी जाएगी तो लीडर बन जाएंगे, ठीक है ना, जैसे सुभाष चंद्र बोस थे, तो इनबॉर्न एबिलिटीज़ है, महात्मा गांधी, इनबॉर्न एबिलिटी थी। एक्वायर्ड एबिलिटीज का मतलब हो गया कि उनको पहले कॉलेज में सिखाया जाए फिर ताकि आप लोग काम कर सकें। तो मैनेजमेंट भी इनबॉर्न और एक्वायर्ड दोनों हो सकती हैं। बैलेंसिंग इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी।
तो इफेक्टिवनेस भी और इफिशेंसी दोनों ही मैनेजमेंट लेके चलता है, प्रॉपर टाइम से भी काम करता है और मिनिमम कॉस्ट में भी काम करते हैं। सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी देखिए बड़ा अच्छा पॉइंट है, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी तभी हो सकती है जब आप लोग मिनिमम कॉस्ट पर मैक्सिमम प्रोडक्शन करें, दैट्स ए सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है ना भाई, हमने मार्केट से रिसोर्सेज लिया और मार्केट से रिसोर्सेज को हमने मार्केट में ज़्यादा प्रोडक्शन दिया, तो सीधी सी बात है मार्केट में हम सस्ता माल देंगे, मार्केट में जब सस्ता माल देंगे दैट्स कॉल्ड अ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, हम अपनी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरा कर रहे हैं। ये थोड़ी है कि हम लोग जो है टाइम से काम पूरा कर रहे हैं बट महंगा कर रहे हैं, तो महंगा कर रहे हैं तो बाजार में सामान भी महंगा जाएगा, सामान महंगा जाएगा तो फिर काम पूरा नहीं हो पाएगा। तो दिस इज सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, पूरा होने के लिए ज़रूरी है कि एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस दोनों बैलेंस हो। इंटीग्रेट ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज, ये मिलके आ गया, यूनिफाइड और फोर्स और पॉइंट नंबर 6 और 12 बिल्कुल एक से ही हैं, ह्यूमन फिजिकल रिसोर्सेज मिलके ही काम करते हैं। एंड 13 मल्टी डायमेंशनल, ये जो मल्टी डायमेंशनल होता है ये तीन चीज़ों से मिलकर बनता है, यानी कि क्या कहने का मतलब है इसका, इसका मतलब ये हुआ कि जो मैनेजमेंट होता है, मैनेजमेंट जो है वो तीन चीज़ों का मैनेजमेंट करता है, वर्क का, पीपल का एंड ऑपरेशन। यानी वर्क का मतलब हो गया कि प्रोडक्शन का काम देखना है, मार्केटिंग का काम देखना है, फाइनेंस का काम देखना है, ये सब मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है, मैनेजमेंट में। यानी मल्टी डायमेंशनल का मतलब हो गया कि ऐसा मैनेजमेंट जो सब तरह के काम को कर लेता हो। तो वर्क का मतलब हो गया जैसे कोई भी बिजनेस है तो उस बिजनेस के अंदर बहुत सारे फील्ड होते हैं, प्रोडक्शन कहाँ से कैसे करना है, मार्केटिंग कहाँ कहाँ माल बेचना है, फाइनेंसिंग कहाँ से पैसा आएगा, किसको पैसा देना है, तो ये चीज़ें। तो वर्क मैनेजमेंट ऑफ वर्क में क्या क्या आ गया आपके पास कि प्रोडक्शन कहाँ से होना है, मार्केटिंग कहाँ कहाँ करनी है, फाइनेंस कैसे लेना है, किसको देना है। इसी तरीके से मैनेजमेंट ऑफ पीपल, ठीक है ना, पीपल का मतलब हो गया कि इंडिविजुअल बेसिस पर हमें जो है समझना पड़ेगा कि जो है हमें अपनी फर्म के अंदर कैसे पीपल चाहिए, ठीक है ना, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, उनकी नीड को देखना पड़ेगा, उनके पैटर्न को देखना पड़ेगा, उनके काम करने के तरीके को यानी वे ऑफ वर्किंग, उनके एटीट्यूड को। तो ये सब चीज़ें हम लोग जब देखते हैं तो दैट्स ए मैनेजमेंट ऑफ पीपल, उसके आधार पर ही, उसके बेस पर ही हम लोग पीपल को ज्वाइन कराते हैं या रिज़ाइन दिलाते हैं, ठीक है ना। एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन का मतलब हो गया कि कोई भी प्रोडक्शन हम लोग क्रिएट करें और क्रिएट करने के बाद उसे कस्टमर तक हम लोग ले जाएं, यानी गुड्स एंड सर्विस को हम लोग जो है गुड्स और सर्विस को हम लोग क्रिएट करें किसके लिए, कस्टमर के लिए। तो उसके लिए हम लोग क्या काम करेंगे कि मैन्युफैक्चर ऑर्गेनाइजेशन से लेकर, इनपुट से लेकर और आउटपुट तक, यानी कि जैसे रॉ मटेरियल हमने लिया तो रॉ मटेरियल को लेके हमने मशीनों में डाला, मशीनों में उसको हमने प्रोसेसिंग की, फिर उसका आउटपुट बनाया और उसका आउटपुट बनाने के बाद फिर हमने कस्टमर तक पहुंचाया। तो दिस इज़ ए मल्टी डायमेंशनल, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑपरेशन कहते हैं। तो ये वर्क, पीपल और ऑपरेशन तीन तरीके से काम करता है। आई होप मैं समझता हूँ कि बहुत लंबी वीडियो होगी होगी, तो फिर भी मैंने बहुत डीपली समझाने का कोशिश किया। आप लोग दिल से ज़रूर इन स्लाइडों की हेल्प से आप लोग कोशिश करेंगे, मैं आपको बाद में इसका कैप्सूल बना के दे दूँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।